लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एम्बुलेंस प्रकरण आपको बिहार में याद होगा, जिसका खुलासा पप्पू यादव ने किया था। जी हां, जाट सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एम्बुलेंस का खुलासा किया था। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के घर से या उनके गांव से, जहां 60-70 एम्बुलेंस खड़े मिले थे, उसके बाद खुलासा करते हुए पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूड़ी को रगड़ दिया था और कहा था कि आखिर उन्हें जवाब देना होगा कि कोरोना काल में, इस कोरोना संकट के दौर में इतने सारे एम्बुलेंस यहां क्यों धूल फाक रहे हैं। उसके बाद राजीव प्रताप रूड़ी खुद सामने भी आए थे, जवाब भी दिया था, लेकिन ये प्रकरण जिसने काफ़ी तूल पकड़ा, सरकार की किरकिरी कराई, यहाँ से लेकर दिल्ली तक की सरकार जो है घिर गई और राजीव प्रताप रूड़ी पर तमाम सवाल भी खड़े हुए। एम्बुलेंस की चर्चा छिड़ गई और जगह जगह से एम्बुलेंस की तस्वीरें भी आने लगी और एम्बुलेंस ऐसे भी दिखाए जाने लगे कि एम्बुलेंस के बिना बिहार का क्या हाल है, और खटिया पर एम्बुलेंस चल रहा है कहीं तो कहीं ठेले पर एम्बुलेंस चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली एम्बुलेंस से जुड़ी हुई, एम्बुलेंस प्रकरण से जुड़ी हुई। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव के साथ क्या कुछ हुआ ये भी लोग जानते हैं। पप्पू यादव फिलहाल मधेपुरा जेल में है और उनका इलाज DMCH में चल रहा है। उन्हें 32 साल पुराने मामले में जेल भेजवा दिया गया, या यूं कहें कि वो केस पुराना खुल गया और उसके बाद पप्पू यादव के जेल जाने की नौबत आ गई। इस तमाम खुलासे के बाद तो एम्बुलेंस प्रकरण जो है ये चल रहा है बिहार के अंदर, और तस्वीरें एम्बुलेंस की आ रही हैं। एम्बुलेंस की तस्वीरें तो कम पर, हाँ, एम्बुलेंस के जो एवज में जिस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं खटिया का तो कहीं ठेले का, वो तस्वीरें खूब आ रही हैं। और RJD ने एक और तस्वीर, एक और वीडियो शेयर किया है। RJD के जो प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने ये जो शेयर किया है और लिखा है, क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बताते हैं। वीडियो भी देखिएगा आप और क्या कुछ लिख रहे हैं शक्ति सिंह यादव, जो RJD के प्रवक्ता हैं, जिसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी खबरों को रिट्वीट भी किया है, उन खबरों को शेयर किया है, और क्या कुछ लिख रहे हैं शक्ति सिंह यादव वो बता रहे हैं आपको। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के संसदीय क्षेत्र का यह दुखद दृश्य देखिए। दुखद दृश्य इसलिए भी है कि ये रविशंकर प्रसाद जी का क्षेत्र है, और रविशंकर प्रसाद जी आपको पता होगा कहाँ के सांसद हैं। रविशंकर प्रसाद जी राजधानी क्षेत्र के सांसद हैं, पटना के सांसद हैं, पटना के पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव हैं, तो पटना साहिब के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये मंत्री जी के क्षेत्र की तस्वीर है, बिल्कुल सवाल खड़े करने वाली है। आगे लिखते हैं, अब अस्पताल और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज को खाट पर पटना के अस्पताल ले जाया जा रहा है। मंत्री जी क्षेत्र से लापता हैं क्योंकि इन्हें विपक्ष की को गाली देने से फुर्सत नहीं है, गांवों की स्थिति भयावह। तो ये तस्वीर पोल खोलती दिख रही है, पटना की ये तस्वीर है, और मंत्री जी जो रविशंकर प्रसाद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, बड़ा ओहदा संभालते हैं और मोदी सरकार के खसम खास भी हैं, उनका इलाका है ये, बिहार की राजधानी क्षेत्र का इलाका है ये, जहां पर खाट पर लोग सुलाकर ले जा रहे हैं मरीज को। तो RJD ने इसकी पोल खोली है, खुद जो शक्ति सिंह यादव हैं उन्होंने पोल खोली है, तेजस्वी यादव ने भी धर लिया है और रगड़ दिया है। और रविशंकर प्रसाद की अगर बात कर ले थोड़ा सा, कि रविशंकर प्रसाद इन दिनों चर्चा में भी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं, वर्चुअली लोगों से जुड़ जरूर रहे हैं, लेकिन पटना में जिस तरह से हालात पिछले दिन बिगड़े, पर रविशंकर प्रसाद एक भी दिन नजर नहीं आए, वही उनके बीच और दूसरे सांसद जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, पटना की ये दो सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, जहां रामकृपाल यादव की बात करें तो वो अपने क्षेत्र में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, वही रविशंकर प्रसाद नदारद हैं। जी हां, साफ साफ तौर पे आरोप लग रहा है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि रविशंकर प्रसाद आखिर हैं कहां, केवल वर्चुअल मोड में है। जी हां, वर्चुअल मोड में है, पर रियल मोड में लोगों के सामने वो नहीं है। तो रियलिटी ये है, तस्वीर देख लीजिए रविशंकर प्रसाद जी, थोड़ा सा आप भी अपने क्षेत्र की, पटना साहिब की और राजधानी क्षेत्र की, ये हाल है राजधानी क्षेत्र का कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध है, और BJP सांसद महोदय कहीं ना कहीं एम्बुलेंस प्रकरण में फंसे थे, तब आप क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, कहां है एम्बुलेंस, क्यों छुपाए गए थे एम्बुलेंस, तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे।
और खटिया पर अगर एम्बुलेंस बनाकर लोग ले जा रहे हैं मरीज को, तो सवाल तो खड़े होंगे, लोग तो पूछेंगे ही, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो खैर आप देखिए इस वीडियो को और मंत्री जी जवाब देंगे, उसका इंतजार हम करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप भी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।